अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिलीज, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मेरी फ्रेंड जो है, आपको पता है, वो आई हुई थी तो वो चली गई है, तो काफ़ी जो है वो मेरे घर में रौनक लगी। उसके आने से भी पहले मेरी वो कज़न भी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी उसी दिन, और मेरी सिस्टर भी थी, और फिर फ्रेंड मेरी जो है वो काफ़ी दिन नहीं थी, हमने उसको घुमाया। वो चली गई है। उसके जाने के बाद जो है ना, वो हर एक घर जब घर में गेस्ट आता है तो एक रौनक सी होती है। आप कुछ दिन तो आपके घर में चहल पहल रूटीन से हट के सारे काम हो रहे होते हैं, तो मेरे भी जो है ना वो रूटीन से हट के काम हुए, तो मैंने जो है ना वो काफ़ी इंजॉय किया। और उसके जाने के बाद मैं कल ही भी व्लॉग बना सकी, क्योंकि मैं काफ़ी रेस्ट नहीं, बस मेरी तबीयत बढ़ी उसके जाने से, मैं उदास थी, तो समझ ले कि बस मैं सारा दिन रेस्ट ही करती रही, परेशान नहीं थी। परेशान भी बंदा होता है जब आप एकदम आप लोग कहीं रह रहे हो साथ, तो जब जाते हैं तो उदासी तो होती है, वो वाली परेशानी होती है जाने की, और तो नहीं मिस कर रहा होता इंसान। तो मैंने उसको काफ़ी मिस किया, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद मेरी उससे मुलाकात हुई थी। आपको बताया कि तकरीबन 5 साल बाद हम दोनों मिल रही थी। उसके बाद अब पता नहीं उसे मेरी कब मुलाकात होती है। फ़ोन पे तो मेरा रब्ता रहता है, लेकिन फेस टू फेस और साथ टाइम स्पेंड करने की अपनी ही बात होती है, वो पता नहीं कब तक होती है। तो आज मैं अब उठी हूँ तो कुछ नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरा गला ख़राब है, वो मैंने उसकी मेडिसिन खाई है, क्योंकि आपको पता है कि ये अप्रैल मई जो है ये मेरे लिए डिस्टर्बेंस का महीने होते हैं, क्योंकि मुझे एलर्जी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने उसके साथ जो परहेजी भी की, कोल्ड ड्रिंक्स भी खाई, खट्टी चीज़ें भी खाई, और कोल्ड ड्रिंक्स कौन खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी और साथ मैंने खट्टी चीज़ें खाई, और इस तरह से बातें एहतियाती की। तो वो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके साथ मैंने दवाई खाई, वो पता नहीं हाइपोटेंसी की है, कि दवाई खाने के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा गैर हो जाती। कल भी यही हुआ, वो ऐसा अजीब सी पता नहीं क्या तबीयत होती है कि सर भी चकराना शुरू कर देता है, और इस तरह से करके अब मैं उठी हूँ। आज उठी भी लेट हूँ, वानिया को छुट्टी है, तो बस मैं अब उठ के भी मैंने नाश्ता किया है थोड़ा सा, लेकिन मुझे भूख दोबारा लग रही है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या खाऊँ क्या पकाऊँ। खाने और पकाने का बहुत बड़ा मसला है। वानिया को मैं कह रही हूँ चेंज करो, लेकिन वानिया जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही। उसके बाबा पता नहीं कहाँ है, वो देखिए हंसी मूल मोबाइल लेके सारा दिन, वानिया का यही काम होता है, सारा दिन उसे मोबाइल लेके काम करना होता है। ड्रेस मैंने उसका निकाल के रखा हुआ है, तो चेंज नहीं कर रही। बदतमीज क्यों हो रही है मैडम, आप ही देखें, दूध उबाल में दूंगी, पहले आप चेंज करें। हर वक्त खाना नहीं खाती, दूध 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 ही मांगती रहती है। अब मैं कि बहुत परेशान हूँ इसको, मैं भूख कर मैं सीरप देती हूँ, आयरन का देती हूँ, तो ये दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर देती है। आप पीछे से चीखों की आवाज़ सुन रहे हैं, ला रही हूँ, दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर देती है, इसलिए कि यूँ कहते हैं कि छोड़ो तुम इसको, दूध ही पीने दो, ये खुद ही खा लेगी। इसकी खाला भी ये कहती है कि खुद ही खा लेगी, स्कूल जाएगी तो काफ़ी इसमें चेंज आएगा, लेकिन ये ना खाना नहीं खा रही। इसकी मैम भी यही कहती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैंने अब सोचा है कि चल नहीं भी, हो सकता है ये आहिस्ता आहिस्ता खाने लग जाए। अब ये मैंने इसके लिए दूध ले लिया है, वाल नहीं बेटा ये लो दूध, इसका वॉल्यूम लो करो मोबाइल का, और ना दूध पी के कपड़े चेंज करो, हैं चेंज करोगी कि नहीं करोगी। ये ना हमारे सर पे चढ़ रही है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ये हमें तंग कर रही है ना, और इसके बाबा भी वो भी परेशान खड़े हैं इसके लिए कि दूध ही पीती है, खाती नहीं। अभी इसे विद इन 10 मिनट्स है ना, बिफोर 10 मिनट्स इसने जो है ना पहले दूध पिया, और फिर अब दूध मांग रही है। ज़ाहिर इसको भूख लगती है तो दूध की क्वान्टिटी बढ़ा देती है। अब मैडम लेटी हुई है, उठ जाओ बेटा, कपड़े भी चेंज करो, अभी मैंने नमाज पढ़नी है, पी लिया तो चेंज करो। ये देखें मेरा कमरे के खिलाफ, देखिए आपने, ये जब वानिया घर होती है तो बिस्तर वैसे ही बिखरा रहता है, अभी बारिशें होती हैं तो इसके बाबा को और इसको सर्दी लगती है, तो ये दोनों जो अभी कंबल नहीं जिए नहीं कि अभी कंबल लेके सोते हैं। फुल स्पीड पे पंखा चल रहा होता है रात को, और जो है ना कंबल लाजमी लेना होता है। अभी फिर लेट गई है, मुझसे इसने एग्री, इसका वॉल्यूम लो करो ना। हाँ ये देखने जाएंगे, इसको हर चीज़ होता है, ये देखने जाएंगे। उठो बेटा मेरा कपड़े चेंज करो, वॉल्यूम सारा दिन मोबाइल पे, ये कार्टून लगे होते हैं, यूट्यूब किड्स की वीडियोस होती हैं, और वॉल्यूम भी इसने हाई किया हुआ होता है, बहुत ही जो ना ये ऐसे ही तंग करती रहती है हमें सारा दिन। तो अभी भी देख लें नहीं उठ रही, मैं अब नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, होपफुली के तब तक ये कपड़े चेंज कर लें। नमाज़ तो मैंने पढ़ ली, वानिया ने कपड़े चेंज कर लिए, अभी हेयर ड्रायर वो नहीं करवा रही, तो मैंने रात चने और चावल बनाए थे, तो सो मुझे भूख लगी, तो मैं अपने लिए जो है ना चावल और चने अभी गरम करके खा।
ये मैंने करनी है क्योंकि मेरी तबीयत पता नहीं क्यों मुझे मेडिसिन खाने से ना बस अजीब सी हो रही है, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ खाऊं, तो इसको मैंने ओवन में रखा है और मैं इसे गर्म करूं। वानिया चेंज करके लेट गई है और अभी भी जो है ना स्टील ना इसने हेयर ब्रश करवाया है ना वानिया, ना इसने हेयर ब्रश करवाया है ना कोई इसने कैलॉन लगवाया ना कुछ भी नहीं किया, वैसे बस लेट गई है। अभी मैंने इसे कहा मरियम के घर जाना है तो फिर जब जब मरियम के घर जाएगी तब हेयर ब्रश करेगी, ठीक है? सुन रही है मेरी बेटी जो है ना मुझे बहुत तंग करती है, मज़े मज़े से खाती हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सादा चार भी हूँ लेकिन पहले ही बहुत गला शदीद तकलीफ में है कि बस नहीं लूँगी, सासा न्यूज़ इंजॉय करती हूँ। क्यूम साहब अभी जो है नमाज़ पढ़ने लगे हैं, मसरूफ़ हैं, तो वो बाद में खाना खाएंगे। वानिया अभी उठ ही नहीं रही, वो स्टिल वहीं पर अपनी जगह पर दूध पी लिया और लेट गई, तो सो मुझे अकेले ही खाना पड़ना है, इसीलिए मुझे जो है ना अपनी फ्रेंड को मैं मिस कर रही थी और मेरे कज़न्स को सिस्टर्स को, कि जब आप लोग इकट्ठे होते हैं तो एक अच्छा सा माहौल होता है घर में फैमिली का, जब आप अकेले रह रहे होते हैं ना सेपरेट घर में सिर्फ दो लोग और एक बच्चा हो तो बच्चा स्कूल चला जाए तो हमारे घर में भी कुछ सन्नाटा होता है, जब वो घर आती है तो उसी की रौनक होती है, तब कमी महसूस होती है, बल्कि अहमियत का पता चलता है कि फैमिली में अफराद ज़्यादा कितने जो है ना वो अहमियत के हामिल हैं। और जब हम लोग इकट्ठे रहते हैं तो हम लोग कहते हैं बस कब हम लगा हो सेपरेट हो, लेकिन जब आप सेपरेट होते हैं फिर आप उस चीज़ को मिस करते हैं, जैसा कि मैं भी मिस कर रही हूँ। तो वानिया जो है वो अभी भी अंदर ही है, मुझे भूख लगी है, खाना खा लूँ मैं, उसके बाद देखते हैं। बता रहे हैं कि आज फिर बारिश है, पता नहीं कैसी बारिशें चल रही हैं कि रात को सर्दी हो जाती है दिन को गर्मी हो जाती है, सर्दी तो नहीं होती लेकिन वानिया उसके बाबा को सर्दी हो आई है। दुआ से बातें की नहीं गई, दुआ क्या कह रही थी, वो गिर नीचे गिर गई है, चोट तो नहीं लगी उसको, है उसके घर बब्बू आ गए थे, बहू आ गया था, अच्छा उसने बताया, आपने खाना खाना है खाना। नहीं बेटा अभी आप सुबह मरियम के घर गई थी, बार बार मरियम के घर नहीं जाना अच्छा लगता, अब आप जो है ना अपना निकाले वो अपनी नोटबुक और करें बैठ के काम, अम्मा बस बैठ के काम करना है ना अभी, है जी नहीं मरियम के घर नहीं जाना मेरी बेटी, मेरे दो लगा देनी है। रात हो गई है इस टाइम तकरीबन 9:30 का टाइम है जी बेटा, वानिया जो है वो दोस्ती नहीं उसकी अभी तक बाबा के साथ हुई, वो नाराज है, बदतमीजी कर रही है बाबा से, बाबा उसे बहुत प्यार करते हैं ना इसीलिए वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं छोटी है, तो आप भी क्या कहते हैं हम खाने खा रहे हैं, बस आज कुछ खास नहीं हो सका, बस खाना खाना ही खाना, क्या दोपहर को मैंने केले खाया था, शाम को 5 बजे गेहूं ने खाया था, आप भी खाएंगी, ये देखिए मेरी जोकर मेरा जोकर खड़ा है, तो हम आपको डांटते रहते हैं, देखने क्यों क्या कह रही है, देखने क्या कह रही है, आप दोनों जोकर हैं, ये किसने सिखाया मोई मोई, मोहित भाई पूजा भाई ने सिखाया है, अच्छी बात है सिखाई, तो अभी बस ये है कि बैठे हैं बस खाना, जो आपको 30 मिनट इंडिया बनाई थी वो उसकी उम्र साइड, मुझे तो पसंद नहीं आई क्योंकि फीकी फीकी बनी है, मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ, आज खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं भी खाती हूँ, मैं भी नहीं खाती, अच्छा आप तो वैसे ही खाना नहीं खाती, आप तो ऑलरेडी खाना नहीं खाती, उस टाइम मैंने खाना खाया था, तो अब कयूम कहीं गए हुए थे तो वो अब आए हैं, तो उन्होंने खाना खा लिया है, मैंने आज सब्जी पकाई है समझ लें सर्दियों की नहीं सॉरी गर्मियों की, पहली उस दिन मैंने भिंडियाँ बनाई थी, आज मैंने टिंडे बनाए हैं, वो जो चटनी टिंडियाँ नहीं होती वो वाली, अब उसके बाद मैंने चाय बनाई है, और मैं तो खाना पहले खा चुकी थी, देखिए चाय लेके जा रही हूँ डाइनिंग पे, कि नमाज़ पढ़ के फारिग हो गए नमाज़ पढ़ने अभी, तो ये मैंने उनकी चाय रख दी यहाँ पे, और ना कुछ कल का बेसन परसों का बना हुआ था, आपको पता है कि मेरी फेवरेट डिश जो है वो पकौड़े हैं, मैं और जब मुझे खाने पे कोई बहुत चटपटी चीज़ खाने में मज़ा ना आ रहा हो सालन का, तो मैं भी पकौड़े ही बनाया करती हूँ, और इस तरह मेरी लाडो जो है वो अभी मेरे सब्जेक्ट कह रही थी कि मरियम के घर जाना है, मरियम के घर जाना है, मैंने उसको नहीं भेजा, तो ये नाराज़ होकर लेटी हुई है, ये देखिए नज़र आ रहा है आप वानिया मेरी बेटी, इधर देखो ना अम्मा की बेटी नहीं है, नहीं है ले जी, वो तो इनकार ही होगी कि अम्मा की बेटी नहीं है, उसको मैंने समझाया है कि बेटा रोज़ मरियम के घर जाना ज़रूरी नहीं है, लाइट्स ऑफ करो, मरियम के घर जाना नहीं ज़रूरी है, आप रोज़ गई हैं बार बार तो ना जाना, अभी वो आई है और वहाँ से आते ही कह रही है कि मैंने दोबारा मरियम के घर जाना, मुझे मरियम के घर दोबारा भेजें, तो कईम साहब आप नमाज़ पढ़ ली है तो आ जाए चाय बन गई है, साथ म्यूज़िक इंजॉय करें,
गर्मियों के दिन है, लंबे हैं, आप जो भी कर लें सारा दिन जल्दी उठ जाते हैं, देर से भी उठें सुबह नमाज पढ़ के या जल्दी भी उठ जाएं तो आप सारे काम भी कर लें तो इस टाइम आप फारिग होते हैं और इनफ, आप उसके बाद आप थके हुए होते हैं, टेस्ट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी दिन जो है ना वो भी शाम नहीं हुई होती, मगरिब का टाइम नहीं हुआ होता। तो इसीलिए इस टाइम ना जब मुझे बोरियत होती है तो फिर मेरा दिल चाह रहा होता मैं कुछ करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। अकेडमी मैंने अपनी स्टार्ट की थी तो वो दो ही बच्चे आए थे, उनके एनुअल्स हो गए हैं तो अब वो नहीं आ रहे, बाकी अभी कोई भी नहीं आ रहा। दुआ करें कि मेरी अकेडमी भी चल जाए। तो वो बच्चे जो हैं आ रहे थे वो सऊदीया जा रहे हैं, उनके वालिद साहब वहीं हैं जो आई जाया करता था, तो वो विज़िट पे जा रहा है एक दो माह के लिए। वो कह रहा था कि मैम मैं अपने बाबा के पास से होके आ जाऊँ तो फिर मैं आपके पास पढ़ने। किम साहब आ गए, हाँ ये पकौड़े भी टेस्ट करें। नहीं नहीं खा ली, ख़त्म हो, फिर मैंने इतने ज़्यादा खा ली है, अब उसके बाद अब खाने के बाद चलो सही है। हाँ वान नाराज हुई हुई है, वानिया अंदर लेटी हुई है नाराज होके, वो कह रही है कि मुझे मरीज के घर भेजे ना, क्यों ना आजो ना, आज तो सारा दिन ऐसे ही गुजर रहा है, मेहमान चले जाए तो फिर गुजरता ही नहीं है, मुझे तो खुद भी अजीब सा लगता है कि मेहमान कब क्यों गए हैं। अब बड़ी ईद आ रही है तो उससे पहले जो है ना वानिया के फाइनल्स हैं, इस पता है आपको मिड मई में इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर उसका नई क्लास में जाएगी और फिर हम गुजरा जाएंगे छुट्टियों में। आ गई आप वॉक करके? बेटा बुरी बात है, बाबा भी आ गए, बहुत तंग किया है ना, क्यों तंग किया बाबा को? ओ वन बाबा नाराज हो गई, मुझे तो ये नाराज लग रही है। लावन क्या हुआ इसको, ये क्यों पहन दी है? चलो क्या इसकी पसंद की चीज नहीं थी ये वाली? इसने खुद ही लिया, कह रही है मैं यही कह रही हूं। वानी क्या हुआ है? है? नमाज में पढ़ने की चले, अभी नमाज का टाइम है, पढ़ ले, उठो मेरा बच्चा। वानी नाराज हो गई है, वानी नाराज हो गई है, खोल के दे रही है। वानी तकिया तो पीछे करो ना बेटा, वो देखे तकिया के नीचे झांक रही है, बुरी बात है, जान ऐसे नहीं करते, देखो ना ले ली वानी, ले ली वेरी गुड वेरी गुड। अब खा भी लो, मुझे भी दे दो कैंडीज। डार्लिंग मेरी बेटी क्या कर रही है, आप अपनी जगह पे पहुंच गई हैं? हाँ जी, क्या कर रही है इसको, आप तो को क्या किया हुआ है? गंदे करती है। क्यों, किससे गंदे किए? आटे से। क्यों गंदे किए? आप तो रोटी बनाने लगी थी। वानिया बेटा टीवी के साथ जुड़ के ना खड़ी हुआ करो। नहीं, रोटी बनाने लगी थी आप? हाँ कहते हैं तो फिर ये मेकअप किसने किया आपको? मैंने किया है। किसके कहने पे? लिपस्टिक के कहने पे। तो हाथ धोने नहीं है? नहीं धोगी। क्यों नहीं धोएंगी? लो ये बाबा खाना खा रहे हैं। लो क्या करने बच्चे? बुरी बात। अच्छा सॉरी सॉरी। बाबा नाराज है? मैं तो इसके साथ बात अभी तक दोस्ती नहीं हुई दोनों की? नो अल्लाह, इन दोनों की लड़ाई अभी तक चल रही है क्योंकि उस टाइम इसने आज बदतमीजी की बहुत बाबा के साथ। शॉप जाते हुए नमाज नहीं पढ़ने दी, नमाज भी नहीं पढ़ने दी तो बाबा नाराज थे, तभी तक इनकी दोस्ती नहीं हुई। क्यों भाई है बाबा से सॉरी की? मैंने चीजी खानी है। सॉरी करो ना बाबा से बेटा, बुरी बात है। चलो नीचे उतरो, चलें आप उसे दोस्ती कर लें। चलो दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है? दोस्ती हो गई? नहीं, बुरी बात। बाबा है? अब बाबा हैं तो मनाएंगे बाबा को बेटा, भी बुरी बात है, बाबा ही चीजी ला के देते हैं ना, बाबा बेटे दाने नहीं देते, चलते नहीं है तो मैं नहीं बात करता। कहाँ नहीं चलते? चीजी लेने गए तो थे? नहीं अभी तो, अभी सुबह भी नहीं गए, रात में भी नहीं गए। बेटा जी ये आप नीचे क्यों फेंक रही है? वो गिर जाओगी नीचे, मेड़ ने नहीं सुबह आना। हर वक्त मैं मार्केट के चक्कर लगाता रहूं? बुरी बात, बदतमीजी करोगे तो मार भी खाओगे। नहीं। खाना खाने के बाद हर दफा दिन में तीन बार जो है ना वो किचन साफ करना, हर चीज अच्छे से साफ करना ताकि साफ सुथरा रहे। अब ये मैंने खाना खा लिया है और अब सफाई कर ली। तुम आपने चाय पी ली? नहीं यार। क्यों नहीं? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने भी चाय पीने में नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना वो स्प्राइट डाल के ना दूध में तो वो पीऊँ। पता नहीं वो मैंने आज दवाई खाई है तो उसके बाद से अभी तक मेरी जो है ना तबीयत स्टेबल नहीं हुई यार। ऐसे जैसे मेरे दिल नीचे 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 जाई जा रहा है, पता नहीं कैसी आपने मुझे मेडिसिन ला के दी थी। खैर फाइनली खत्म हो गई वो, सुबह से मेरी तबीयत ऐसे ही है, बस मेरा ऐसे से सर चकरा रहा है और समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो
ऐसा होता नहीं मेरे साथ, लेकिन खैर हुआ। अभी तक जो है ना वो पता नहीं क्या वजह है कि एक दफ़ा मुझे याद है सेकंड ईयर में मैंने एक आयरन टेबलेट्स ली थी जब मेरे सेकंड ईयर पेपर देने थे। मेरे चचा जो है ना ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे डॉक्टर साहब जो है, तो मैंने ऐसी रात को खा ली कि सुबह पेपर है तो थोड़ी एलर्जी आ जाएगी। वो मेडिसिन खाई सो ऐसे ही मेरी तबीयत अजीब सी होगी, दिल नीचे नीचे बैठता चला गया। मैंने पढ़ना किया था सारी रात, में पढ़ ना सकी। सुबह चचा के सामने अपना मसला दरपेश किया तो उन्होंने कहा कौन सी टेबलेट की थी, मैंने उनको बताई कि ये वाली टेबलेट ली। कहते चलो जाके शावर लो, कर शावर लिया तबीयत ठीक हो गया। अभी मैं सोच रही हूँ शावर ले लूँ, लेकिन नहीं इस टाइम मैं मूड नहीं है, लेकिन तबीयत अभी भी मेरी बड़ी अजीब सी हो रही है। तो हमें चाय बिल्कुल नहीं पीनी? नहीं नहीं। आज क्या बात है, आज आप इतने सैडी सैडी सैड सैड फेस के साथ। तो जनाब मैं इसी साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आज बस कुछ खास एक्टिविटीज नहीं रही मेरी तबीयत के बायस भी, और कुछ कयूम भी घर नहीं थे और वानिया भी अपने फ्रेंड के घर गई थी तो सो मैं अकेली थी। तो बाकी फिर आप मिलेंगे आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।